शुरू करते हैं, हम वेबिनार शुरू करते हैं और साथ साथ आपको पता है कि लोग ज्वाइन करते रहते हैं और फेसबुक पे भी ये लाइव हमारा वेबिनार जा रहा है। तो ऑन बिहाफ ऑफ पौधा आई वुड लाइक टू वेलकम मिस हुमा इरशाद, सीईओ द शाइन वेलफेयर फाउंडेशन फॉर इंक्लूजन, गुजरांवाला पंजाब में ये वहां से बोल रही है लेकिन इनका काम पंजाब के काफी अजला में है। तो हुमा जो हैं वो हमें आज अपने इदारे के बारे में भी बताएंगी और अपने काम के बारे में भी बताएंगी और ये भी बताएंगी कि ये जो नई टर्म है डिफरेंटबिलिटीज इसके बारे में भी बताइएगा जी हुमा। अस्सलाम वालेकुम जी हुमा, आप बात शुरू कीजिए। प्लीज स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। चले इतनी देर में जब तक आपकी प्रेजेंटेशन लगती है आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ और मेरे साथ भी डिसेबिलिटी का इशू है और मुझे भी ना बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। हेलो हुमा, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलती रहे। ओके मैम, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ। गुजरांवाला एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे तकरीबन 5 तहसीलें हैं, 166 यूनियन है और ज्यादातर जो आबादी है वो हमारी फैली हुई है दही इलाकों पे। यहाँ में 94 दही और 74 शहरी है, यानी कि 94 दही इलाका है और 72 जो है वो शहरी इलाका है। इसमें तकरीबन गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में 853 गाँव है जहाँ पे अफराद मजदूरी का जो डिसेबल पर्सन है उनका एक बहुत बड़ा तबका है यहाँ पे जिनको नजरअंदाज किया जाता है। उनका तकरीबन यहाँ गुजरांवाला में हमारे तकरीबन ये रजिस्टर है जो डिसेबल पर्सन मजदूर अफराद वो तकरीबन हमारे 14,837 मजदूर अफराद हैं जिनके मजदूरी सर्टिफिकेट जो है वो बनवा दिए गए हैं गुजरांवाला में, रजिस्टर हो गए हैं। इसी तरह कुछ तकरीबन 10,000 मजदूर अफराद ऐसे हैं जिनके आईडी कार्ड यानी के नादरा में उनको रजिस्ट्रेशन उनकी करवा दी गई है, PNIC उनके बनवा दिए गए हैं। लेकिन फिर इतना होने के बावजूद भी यहाँ देखा जाए तो अभी भी मजदूर अफराद बहुत ज्यादा है जो विलेजेस एरिया में है जहाँ पे हमारी पहुंच नहीं है। बहुत से ऐसे इलाके हैं क्योंकि मैं एक यूसी में काम कर रही हूँ, जितना मेरे एरियाज में आता है मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मुझसे हो सके मैं मजदूर अफराद की रजिस्ट्रेशन करवा सकूँ क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी रजिस्ट्रेशन होगी एक तो वो उनकी शिनाख्त होगी और उनको जो गवर्नमेंट ऐलान करती है वो सहूलियात मुयसर की जाएंगी। मैं भी गुजरांवाला से ही बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे मुझे अपना जब मैंने स्टार्ट किया मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ट्रेवलिंग करते हुए मुझे सामना करना पड़ा। मैं अपनी तालीम के लिए मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। शुरू में तो मुझे स्कूल में एडमिशन ही नहीं दिया जाता था, जिस स्कूल में जाओ वहां पर यही क्वेश्चन होता था कि आप पढ़ोगी कैसे, आप कैसे आओगी। तो मेरे वालदैन की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। प्लीज दी शाइन वेलफेयर वाली जो है ना वो आप कर दें स्लाइड। हेलो जी, लगा दी है हुमा, शाइन वेलफेयर वाली लगी हुई है। ये इंट्रोडक्शन पे पहुंचे हैं, अगली लगाए पीछे है अभी स्टार्टिंग वाली है जिसमें काफी सारी तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल हाँ वो लगाए वाजिद।
जी ये कुछ तस्वीरें हैं जो मेरी एक्टिविटीज को शो कर रहे हैं जो मैंने गुजरा वाला में की हैं। गुजरा वाला में क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, तो मैंने खुद से ही जब मैंने नोट किया कि अगर मेरे लिए बहुत सी मुश्किल है, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इन मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो मैंने फिर यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन दिशान वेलफेयर फाउंडेशन फॉर इंक्लूजन के नाम से स्टार्ट लिया, और मैंने सर्वे किया, मुख्तलिफ जगह पे जाकर सर्वे किया, जगह में गई लोगों के, वहां पे जाकर मैंने देखा डिसेबल पर्सन को उनके साथ किस तरह का बिहेवियर है, उनको किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स को फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि वो अपने बच्चों को घरों में बंद ना रखें, बल्कि इनको बाहर निकाल लें, इनको एजुकेशन के लिए निकाल लें, इनकी हेल्थ के हवाले से देखें। तो तब मैंने ये स्टार्ट लिया, फिर मैंने स्कूल बनाया और वहां पे मैंने बच्चों की तालीम के हवाले से काम स्टार्ट किया। उसके नेक्स्ट प्लीज। वाजिद नेक्स्ट ये स्लाइड प्लीज। मैंने 2011 में स्टार्ट की, रजिस्ट्रेशन करवाई थी सोशल वेलफेयर से, और आगे चलें। 2012 में यहाँ पे काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं इसमें अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगी कि मैंने गुजरांवाला में किस तरह अपना स्टार्ट लिया और किस तरह मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। मुझे गुजरांवाला में बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। मैं नेक्स्ट जब वाजिद। के लिए गई वहां पे मैंने गवर्नमेंट स्कूल में, पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी। उसके बाद जब मैंने मैट्रिक का था, क्योंकि यहाँ पे मिडल तक गाँव में, मैं गाँव अटावा से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे स्कूल जो था मिडल तक था। उसके बाद मैं प्राइवेट स्कूल में गई, लेकिन मुझे एडमिशन ना मिला। जहाँ पे एडमिशन मिला लोग बहुत मजाक उड़ाते थे मुझे, यानी कि एजुकेशन की बजाय मेरे लिए हर्डल्स जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ता था। अच्छा लोग हुमा, बोलते, वो मजाक उड़ाते थे। हुमा ये बताएं कि आपकी क्या डिसेबिलिटी है? मेरी पोलियो है, मुझे मेरी दोनों पोलियो हुआ टांगों था को, आपको? जी, मुझे पोलियो हुआ था, मेरी दोनों टांगों को प्रॉब्लम था, मैं बिल्कुल नहीं चल सकती थी। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट के बाद जहां तक हुआ कि मैं अब ब्रेस यूज करके चल सकती हूँ। अच्छा, अरे और ज्यादातर जी, आप व्हीलचेयर यूज करती हैं? ज्यादातर पहले व्हीलचेयर यूज करती थी, लेकिन अब मैं ब्रेस यूज करती हूँ। ब्रेस अच्छा ठीक है, वेरी गुड जी। आप करती हूँ, और फिर मैंने अपना एजुकेशन के लिए, जब मुझे यहाँ पे एडमिशन लिया, मैंने हो बहालिया मजूरा हो स्कूल है, वहां से फिर मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया। मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद मैं गुजरांवाला में दोबारा आई और मुख्तलिफ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अपना अप्लाई किया, लेकिन मेरी डिसबिलिटी की वजह को आगे रखते हुए मुझे एडमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि उनके स्टेप का इशू था। वो उनका ये कहना था कि ये बच्ची किस तरह पढ़ेगी, आएगी कैसे, वॉशरूम कैसे जाएगी, वो सवाल थे जो उनका बनता नहीं था मुझसे ये सवाल करने का। उनका एडमिशन देने का मजूरा सवाल तो बनता है, क्योंकि आप अपने स्कूल में दाखिला दे, अगला वो किस तरह अपने अपने आप को डील करते हैं, ये मजूरा सवाल पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने फिर उसके लाहौर से ग्रेजुएशन ली और उसके बाद मैंने प्राइवेट ऐसे किया। ऐसे करने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऐसे के एग्जाम दे रही थी मैं, एक्सीडेंट हो गया, दोबारा मेरी लेग को प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ऐसा ऐसा कोई मैं ठीक हो गया, मैंने बीए कंप्लीट किया, वो भी मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने बीए बीकॉम के बाद एमबीए स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने ये एक इदारा खोला, मुख्तलिफ जगह पे जॉब के लिए जाती थी, कोई जॉब नहीं देता था, बल्कि मुझसे पूछता था करना क्या चाहती हो, तो मैंने उनको जब बताया, फिर मैंने ये अपना ही इदारा स्टार्ट किया, और वहां पे फिर मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि मैं खुद डिसेबल पर्सन के एजुकेशन से स्कूल से पढ़ी हुई थी। और वहां पे मैंने नोट किया था कि जब मैं अपनी ही जैसे मजदूर अफराद के अंदर रह के एजुकेशन हासिल कर रही हूँ, तो मैं वहां से बहुत बहादुर थी। लेकिन जब मैं उस इदारे से बाहर निकली थी, तो
मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म कर चुकी थी। इस वजह से फिर मैंने अपना ये स्टार्ट किया कि मुझे पिंजरे में बंद होने की बजाय मुझे इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ना स्टार्ट करनी चाहिए। वहां से फिर मैंने अपने गुजरांवाला में इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से ये इदारा स्टार्ट किया, और जहां पे मैंने फिर मजदूर अवसाद के हवाले से और चारे डिसबिलिटीज को लेते हुए अपना इदारा स्टार्ट किया, जिसमें मेरा जो मिशन था कि हम जो मजदूर अवसाद हैं उनको मुख्तलिफ जो हर्डल्स पेश आती हैं उनको देखते हुए हम उनकी हर्डल्स को दूर करेंगे, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में लेके आएंगे। जब मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन का इदारा स्टार्ट किया तो मुझे तब भी बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैंने सिर्फ वहां पे नहीं हेलो जी हुमा, आप जारी रखें अपनी गुफ्तगू, और वाजिद जो दूसरे माइक है वो बंद कर दें प्लीज। जी हुमा प्लीज कंटिन्यू। जी, मैंने जब अपना इदारा बनाया इंक्लूसिव एजुकेशन पे तो मुझे बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ा, जिसमें क्योंकि सिर्फ मैं मजदूर था कि चारों डिसबिलिटी को नहीं जो नॉन डिसेबल थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया, तो वहाँ पे पेरेंट्स के जो बिहेवियर था वो बड़ा दुख देने वाला था, कि लोगों का कहना था कि लो हमारे बच्चे अगर इधर पढ़ेंगे तो बच्चे जैसे हो जाएंगे, बहुत से ऐसे गलत कमेंट्स किए जाते थे। लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता इनको अवेयर किया और अपना इंक्लूसिव एजुकेशन का इदारा चलाती रही, और फिर उस मैंने स्कूल के अलावा बहुत सी एक्टिविटीज की, जिसे वो सर्टिफिकेट बनाए, आई डी कार्ड बनवाए, और फिर डिफरेंट अवेयरनेस सेशन किए इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से, डिसबिलिटी राइट्स के हवाले से, और हमारे ये डिसबिलिटी के हवाले से लोगों को अवेयर किया कि डिसबिलिटी है क्या चीज, उनको बताया कि डिसबिलिटी जो है जैसे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, क्या फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन बैड लिंक पर्सन मूवमेंट सेंस एंड एक्टिविटीज, यानी कि डिसबिलिटी मेरे नजदीक डिसबिलिटी जो है वो हमारी सोच में है, हम किसी टांग का या किसी बाजू का या किसी चीज का कट जाना मजदूरी नहीं है, मजदूरी हमारे माशे में है, अगर माशे को फ्लेक्सिबल बना दिया जाए तो मजदूरी कहीं भी नहीं आती। मजदूरी की डिफरेंट टाइप्स का मैंने यहाँ पे जिक्र किया, जिसमें फिजिकल प्रॉब्लम में जैसे एपिलेप्सी, अभी मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया था, वहां से कुछ ने कहा था कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बेड़े पड़ते हैं, वो जो बेड़े पड़ते हैं उनके लिए क्या किया जाए, मैं यहीं से बताती जाऊंगी कि उनको एपिलेप्सी कहते हैं, उनको जब बेड़े पड़ते हैं आप लोग उनको बिल्कुल भी उनके नजदीक न जाए, उनको उनके उनके टाइम पीरियड तक वो बेड़े पड़ेंगे, आप सिर्फ इतना करें तो जो उनके पास ऐसी चीजें पड़ी हैं जैसे चेयर है या कोई ऐसी चीज जिससे वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा सके वो दूर कर दें, वो अपने टाइम पीरियड में वो उनको बेड़ा पड़ेगा, उसके बाद वो बच्चे नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद सर्वल पॉलिसी है, सर्वल पॉलिसी में जो बच्चे होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे ये जिक्र किया गया था कि उनको इनको भी बेड़े करते हैं लेकिन इनके डिफरेंट होते हैं, इनकी मुंह से राल टपकती है, और इनका ये जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें उनका स्टार्टिंग में वो पैरों की एड़ी उतना से उनका प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ऐसा ऐसा वो उनकी फुल बॉडी जो है वो काम करना छोड़ जाती है। इनकी जो उम्र होती है वो सिर्फ 25 साल या ज्यादा से ज्यादा 50 साल तक जाती है, इसके ऊपर ये बच्चे नहीं जाते, इसमें कुछ टाइप होती है। और सर्वाइकल पॉलिसी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अगर इनको आप ट्रेन करते हो
तो उनको जस्ट आपकी ठंड बोल सकती है, इनको गर्म में बंद करने या टॉवल पहने या थाइलो पहने से बेहतर है कि आप लोग इनको स्कूल में एडमिशन करवाएं और इन बच्चों के हवाले से पेशेंस करवाएं, इनकी फ्यूचर कॉपी करवाएं, इनके फीस कॉपी होती है वो करवाएं, जिससे ये बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जाते हैं। और ये बच्चे अब इसमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हमारा ये सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं, कुछ बच्चे किसी बच्चे में से गए हैं। ये अभी मैं इन बच्चों के ये तस्वीर है जिसमें ये मल्टीपल डिसबिलिटी है, इनको इनको स्पीच पैथी का भी इशू है, ये सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चे हैं, इनको एपिलेप्सी का भी इशू है, मल्टीपल डिसबिलिटीज जो है ना इनमें ये बच्चों में पाई जाती है, इसमें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स भी हैं, इनको बिहेवियर डिसऑर्डर यानी कि ये एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस इन बच्चों का हो जाता है, इनका बिहेवियर जो है उसमें काफी इश्यूज आते हैं इनको बच्चों को। जी हुमा, हुमा आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट आ जाती है वापस। चले वो अभी वापस आ जाती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये काम कर रही हैं। अगर आप में से कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं जब तक हुमा वापस आती हैं। सारा जी हुमा आ गई हैं। जी हुमा आपकी आवाज आ रही है। आ रही है लेकिन सही नहीं आ रही, आप बोलें जरा। हेलो, आप बोलती रहे ताकि हम देखें आपकी आवाज कैसी आ रही है। जी मैं अभी बता रही थी कि डिसेबिलिटीज के टाइप के हवाले से बता रही थी। हाँ आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आप बोलें। जी 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 बोलती रहे हुमा। फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे थे कि फिजिकल में कौन सी डिसबिलिटीज आती हैं, और फिजिकल में मेरे पोलियो की जो पोलियो जिसे कहते हैं वो भी फिजिकल में आती है, और इसके अलावा हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट ये भी फिजिकल में ही आती है चारों डिसबिलिटीज। हेयरिंग इम्पेयरमेंट जिनका हेयरिंग इम्पेयरमेंट वो है जिनके आप सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके प्रॉब्लम होती हैं, उनका विजुअल इम्पेयरमेंट जो देख नहीं सकते। हेयरिंग इम्पेयरमेंट में भी कुछ टाइप्स होते हैं यानी उनके कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल के अकॉर्डिंग कुछ बच्चे ज्यादा कुछ ना कुछ में थोड़ा थोड़ा बहुत सुनाई देता है, जैसे ए लेवल वन के होते हैं, लेवल टू इसमें होता है, डिफरेंट लेवल्स के होते हैं जिसमें उनको इसी तरह विजुअल इम्पेयरमेंट में भी लेवल्स होते हैं जिसमें उनको कुछ को कुछ दिखाई देता है, कुछ को दिखाई नहीं देता, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जिसमें स्पीच इम्पेयरमेंट, ओरल लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं यानी कि उनको स्पीच इम्पेयरमेंट जैसे उनको बोलने में इश्यूज आते हैं, सही बोल नहीं सकते वो बच्चे और सही तरह अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकते और बोलने में उनको प्रॉब्लम्स आती है। बिहेवियर डिसऑर्डर जिससे मैंने अभी बताया कि ये जो तस्वीर है इसमें बच्चों को मल्टीपल डिसबिलिटीज हैं, इसमें बिहेवियर डिसऑर्डर भी है जिसमें हाइपर एक्टिविटी यानी कि ये अब बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस वाले बच्चे होते हैं, और अटेंशन डिसऑर्डर यानी कि ये इस चीज से फोकस जो है ना अटेंशन नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, उसको टाइम लगता है इनको फोकस करने के लिए किसी चीज में। मेंटल रिटार्डेशन
इसमें अब ये जो बच्चे होते हैं जिन्हें हम साइन लोग या पागल कहते हैं, इसमें बहुत ही जैसे इंटेलेक्चुअल की डिसबिलिटीज में आ जाती है। इसमें नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंक्लूजन, इंक्लूजन इंक्लूजन प्लीज, इंक्लूजन स्लाइड, स्लाइड नंबर 7। स्लाइड नंबर 7। इसमें मैंने इंक्लूजन, ये थोड़ा सा आहिस्ता चलती है स्क्रीन। जी जी, मैं इसके इंक्लूजन, इसमें मैंने इंक्लूजन के हवाले से पहले से डेफिनेशन दी है कि इंक्लूजन क्या है। डिसेबल पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड ऑफ दोस यंग विद स्पेशल एजुकेशन नीड लेबल बिंग एजुकेशन इन। वाजिद ये स्लाइड नहीं है, वो कोई और स्लाइड पढ़ रही है, इससे पहले है वाजिद। ये ठीक है, स्लाइड नंबर 7 इंक्लूजन, इंक्लूजन नाम है वाजिद स्लाइड का। अच्छा हुमा, उस स्लाइड के शुरू में क्या लिखा है वो बता दें जरा। इंक्लूजन स्लाइड है, यही है जी जी। हाँ जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है जी जी जी। इसी के हवाले से मैंने बताया है कि जो स्टेबल पर्सन को अलग अलग डिपार्टमेंट में मजदूर अफराद का जैसे बना दिया गया है, स्पेशल फिजिकल है तो उनके लिए अलग है, विजुअल इंपेयरमेंट है तो उनके लिए अलग है, हियरिंग इंपेयरमेंट है तो उनके लिए अलग है, यानी उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट स्कूल बनाए गए हैं, एजुकेशन इदारे बनाए गए हैं। तो मैंने इस चीज को खत्म करते हुए यानी कोशिश की है इनको इंक्लूजन में लेके आया जाए ताकि ये लोग अब स्टार्टिंग से ही लोगों के साथ किस तरह वो रह सकते हैं, किस तरह उनके साथ उनकी ट्रेनिंग हो सके, इंक्लूजन में किया जाए। इसके हवाले से है जिससे मैंने ये स्कूल चलाया है, ये कुछ तस्वीरें हैं ये मेरे स्कूल की जहाँ पे मैंने ये डिसेबल पर्सन है, चारों डिसबिलिटीज हैं और साथ में डिसेबल्स हैं जो इंक्लूजन में इनको लेके आई हूँ, जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में एजुकेशन हासिल करते हैं और उनको मशीन थोड़ी सी स्लो मूव करती है मेरा ख्याल। जी जी बिल्कुल। अच्छा ख्वाजा साहब, जब तक वापस आती हैं हुमा, आप ये बताएं कि पाकिस्तान के कानून में मजदूर अफराद के लिए क्या कोई प्रोटेक्शन है, हमारे मुल्क के कानून में या पॉलिसीज में या जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उसके कोई ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अपना तरह तारुफ भी, जी जी अपना तारुफ भी जरा करा दें सबको। मेरा नाम ख्वाजा जायद नसीम है और मैं भाई प्रोफेशन एक वकील हूँ
लेकिन अक्सर 10-12 साल से मैं भी CSO के साथ इन उम्र पर काम कर रहा हूँ। मैंने भी अपने गांव भेरा में एक कोशिश की थी उस वक्त की गवर्नमेंट से मिलके कि एक गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर भेरा में कायम हो और वो मौजूद लोगों के लिए कायम हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कायम हुआ है। और मुझे भी इन इशू से थोड़ा वास्ता पड़ता रहता है। मैडम बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म की माजूरियाँ होती हैं और हर माजूर के लिए मुख्तलिफ किस्म का ट्रीटमेंट और मुख्तलिफ किस्म का माहौल भी चाहिए होता है। ये इनकी बड़ी हिम्मत है कि वो जो बात कर रही थी कि एक इदारा के अंदर ही वो हेयरिंग अपेयरमेंट के लिए और जो जिनको नज़र नहीं आता उनके लिए और जो फिजिकल डिसबिलिटीज हैं उनके लिए भी काम कर रही हैं। तो जैसे मैं अभी इस वक्त जो मैं बड़ी खुशी की महसूस कर रहा हूँ कि ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत सारे इदारे और बहुत सारे लोग, सुसन पौधा भी ये मुसलसल चौथा प्रोग्राम इस इशू पर कर रही है और इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस उनके मसाइल के लिए लोगों को अवेयर हो रही है और इससे हुकूमत भी जो है वो मुतासर हुए बगैर नहीं रह रही है। अभी रिसेंटली ही पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जितने भी माजूर मुलाजमीन सरकारी इदारों में काम कर रहे हैं उनको 10,000 रुपीज पर मंथ अलाउंस दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। और इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया है कि क्योंकि जो कोटा है माजूर अफराद के लिए मुलाजमीन के लिए उनको भी अडहेयर किया जाएगा और उसको भी फॉलो किया जाएगा। तो और अब अक्रेडिटेशन ऑफ द स्कूल्स और सेंटर्स भी की जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम इदारों की कावज से अब बहुत सारे कवानीन और पॉलिसीज गवर्नमेंट भी बना रही है। तो इसके अलावा अगर आप ये देखें कि पिछली गवर्नमेंट ने भी माजूर अफराद के लिए, अच्छा ख्वाजा साहब सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, हुमा वापस आ गई हैं, उनसे बात करते हैं फिर आपसे दोबारा करेंगे। ठीक है ठीक है बात, थैंक यू जी हुमा। आपका जब कनेक्शन खराब हो गया था तो हमने जो हमारे पौधा के लीगल एडवाइजर हैं ख्वाजा जाहिद, हमने उनको कहा कि जरा हमें बता दें कि पाकिस्तान में क्या कवानीन और पॉलिसीज हैं, तो वो बता रहे थे जी। अब आप जारी रखें जी। मैं इंक्लूजन के बारे में बता रही थी कि जिसमें हम तमाम जो मजदूर अफराद हैं और उनको जो नॉन डिसेबल्ड हैं उनको एक ही इदारे में तालीमात की जो जरूरियात हैं वो उनकी जो है पूरी की जाए, उनको यानी कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी को डिवेलप करें जहाँ पे मजदूर अफराद और नॉन डिसेबल एक ही इदारे में रहते हुए तालीम की तरबियात जो है उनको जारी रखें और यकसा हर किस्म हर किसी की यकसा कदर और मुनासिब असार के तौर पर मुकम्मल फुर्सत किराने आए तमाम रुकावटों को दूर करने का इंक्लूजन की तरफ की डेफिनेशन थी जिसके बारे में बता रही थी मैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी ये इंक्लूसिव एजुकेशन का मैं थोड़ा बता चुकी हूँ, ये थोड़ी सी टिप्स हैं जिसमें वो जो है मेरे स्कूल के हवाले से जो बन स्कूल बनाया था वहाँ पे बच्चों को इंक्लूसिव देते हुए कुछ एक्टिविटीज हैं एजुकेशन के बच्चों की स्कूल की। नेक्स्ट प्लीज। टाइटल क्या है स्लाइड का? परपस ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी अवेयरनेस रेजिंग एंड द राइट टू एक्शन। Awareness raising on the right to education for all children
ये वाली है जी 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 यही है जी जी इसमें मैंने बताया कि अवेयरनेस रेजिन को ऑन द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एट लोकल रीजनल एंड नेशनल लेवल सेकंड है पेरेंट्स प्राउड स्पोर्ट्स अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन एजुकेशनल सोशल एंड समटाइम्स मेडिकल नीड्स पॉलिसीज डेवलपिंग इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज revising existing policies, teacher training program to promote inclusive practice, specialized techniques for teaching children with a range of learning and communication styles and needs. इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि अगर मैं इससे हमें सेशन करने चाहिए जिसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से बता सके लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और इंक्लूसिव एजुकेशन में से क्या फायदे बेनिफिट क्या है और इंक्लूसिव एजुकेशन से हमें सबसे इंक्लूसिव एजुकेशन को अगर स्टार्ट कर दिया जाए तो हमारी गवर्नमेंट को भी इससे बहुत फायदा हुआ क्योंकि इसमें बजट में बहुत ज्यादा कमी आएगी जो स्पेशल इदारे को बजट दिया जाता है अगर इंक्लूसिव कर दिया जाए तो उसमें बहुत ज्यादा जो है बेहतरी आएगी। उसके अलावा हमें पेरेंट्स जो है उनकी सोच वालदैन की बच्चों की एजुकेशन और सोशल बिहेवियर के वजह से जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि मैंने स्कूल स्टार्ट किया था कि वहां पे सबसे ज्यादा मुझे पेरेंट्स की तरफ से आया था तो बच्चों को उनका दाखिला नहीं करवा रहे थे उनका यही कहना था कि अगर ये मजबूर बच्चे हैं तो हमारे बच्चे भी उनकी वजह से मजबूर हो जाएंगे वो उनके जैसे हो जाएंगे और जिसकी वजह से अपने बच्चों को वहां पे दाखिल नहीं करवाते थे या अगर हम मजबूर अफराद को जैसे गवर्नमेंट के इदारे हो गए एजुकेशन के या प्राइवेट एजुकेशन इदारे हो गए अगर मजबूर अफराद को वहां पे एडमिशन करवाएं तो उनको एडमिशन नहीं दिया जाता जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी थी कि मुझे एडमिशन नहीं दिया जाता क्योंकि बताते थे इस तरह हमारे लिए दूसरे बच्चों के जो है ना मुश्किल आएंगी और हम इन सारे बच्चों को छोटी से टोटली इन पर तवज्जो तो नहीं दे सकते दो यानी कि कमेंट्स हमें सुनने को आगे जिसको मैंने देखते हुए कुछ अवेयरनेस सेशन किए थे जिनकी तस्वीरें कुछ एक्टिविटीज की तस्वीरें हैं कुछ मैंने स्कूल में अवेयरनेस सेशन किया था इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से कुछ मैंने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को अवेयरनेस सेशन दिया था इंक्लूसिव एजुकेशन और CWD राइट्स के हवाले से सेशन किए थे। इसमें हमें जरूरत है कि हम जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए उनको उनको ट्रेनिंग करवाई जाए कि इंक्लूसिव एजुकेशन किस तरह वो प्रमोट कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन किस तरह वो अपने स्कूल्स में इंक्लूस बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें किस तरह की तकनीक होनी चाहिए वो उसके हवाले से जो है ट्रेनिंग करवानी चाहिए और कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं तो इन बच्चों के साथ हम किस तरह पेश आ सकते हैं इन बच्चों को किस तरह डील कर सकते हैं उनके हवाले से कुछ ट्रेनिंग वगैरह पेरेंट्स की भी होनी चाहिए और टीचर्स की भी ट्रेनिंग करवानी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन विद स्टूडेंट इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू ऑल यानी कि स्कूल अडेप्ट टू द नीड ऑफ स्टूडेंट इक्वल एजुकेशन बेनिफिट फॉर ऑल स्टूडेंट दी स्टूडेंट व्यूज आर लिसन टू एंड टेकन सीरियसली इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट आर सोर्स ऑफ रिचनेस एंड डिवर्सिटी एंड नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें बताया गया कि अब जो है डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट के साथ नहीं होगी
एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, सहूलियात हैं, वो सबको इक्वल दी जाएंगी उनके, और एक स्कूल अडेप्टेड अडेप्ट टू नीड द स्टूडेंट, इक्वल एजुकेशन के जो बेनिफिट हैं वो तमाम स्टूडेंट को इक्वल मिलेंगे, उनको बराबर उनको जो उसके बेनिफिट हैं वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, अब कुछ बैरियर्स का जिक्र यहाँ पे मैंने किया है जो इंक्लूसिव एजुकेशन के ग्रांड जो बैरियर्स आते हैं उनके हवाले से थोड़ा सा जिक्र किया है कि नेगेटिविटी अप्रोच होती है, लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, यानी कि हमारे जैसे अब डिसेबल पर्सन है उनको हम प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो भी जाता है तो वहां पे उनके लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, वहां पे रैंप नहीं होती, वहां पे जो वॉशरूम है वो एक्सेसिबल नहीं होते। इसके अलावा लेक ऑफ फंड्स, यानी कि जो हमारे फंड्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। टीचर्स के ट्रेन के हवाले से जैसे मैंने अभी जिक्र किया तो टीचर्स की ट्रेनिंग करवानी चाहिए, टीचर्स को इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से सेशन होने चाहिए, वो नहीं होते जिसकी वजह से हमें इन बैरियर का सामना करना पड़ता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इमोशनल प्रॉब्लम, एजुकेशनल प्रॉब्लम, एजुकेशनल प्रॉब्लम, और जो करिकुलम है उसमें दो समस्या जो होती है और उसमें हमें PWM में ऐसे टॉपिक्स रखने चाहिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से गाइड कर सके, बता सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ अहम तस्वीरें जिससे मैं पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से एक्टिविटीज की हैं और उसके हवाले से बताया गया है कि अपनी जो मैं एक्टिविटीज करती रही हूँ पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से, हमारा जो स्टाफ है, जो मेरे मेंबर्स हैं उनकी एक्टिविटीज हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ टिप्स हैं जिसमें कुछ एक्टिविटीज के हवाले से जो साइन वेलफेयर की एक्टिविटीज हैं उनके हवाले से है, मैं हम जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से है, कुछ डिजिटल यूजर की मैचेस के हवाले से जिसमें गर्ल्स की भी एक टीम है और जो मेल है उनकी भी टीम है, ताकि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में भी उन्हें इंक्लूड किया गया है। ऐसी एक्टिविटीज हर जगह पे होनी चाहिए क्योंकि इससे इनकी जो फिजिकली थॉपी होती है उनमें भी बहुत अटेंट बिहेवियर में काफी चेंजिंग आती है और इससे वो अपना जो अपनी डिसबिलिटी को माइनस करते हुए आगे बढ़ते हैं। और कुछ टीचर्स हैं जो मैंने बाकी कुछ टीम मेंबर से मीटिंग करते हुए हैं, कुछ सोशल वेलफेयर के हवाले से है जहाँ पे मैंने मुख्तलिफ इदारों में जाके मीटिंग की इनको एक्सेसिबल करवाने के लिए इदारों से उनको एक्सेसिबल किया जाए ताकि हमारे जो मजदूर अफराद हैं उनको मुश्किल का सामना ना करना पड़े, वो अपने जो है मुश्किल का सामना ना करना पड़े और अपने इन हर्डल्स को दूर करते हुए वो अपने जो है अपनी सहूलियात जो है जो है वो हासिल कर सके। जो कुछ बताई गई है कुछ मैंने डिफरेंट स्टेट के साथ मिलकर फ्लड के हवाले से जिसमें जैसे अब फ्लड आया हुआ है वहां पे डिसेबल पर्सन को बहुत सी कुछ जो है डिसेबल हो जाता है वहां पे हम राशन और उनको व्हीलचेयर वगैरह प्रोवाइड करते हैं।
जहाँ पे कुछ डिसेबल सर्टिफिकेट के हवाले से है, डिसेबल सर्टिफिकेट के वाले से कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए की है, कोरोना के हवाले से हैं, और कुछ नाबरा में मीटिंग की है जहाँ से हम डिसेबल पर्सन के लिए जो है वो ये आई डी कार्ड के लिए उनके लिए रैंप और उनको नाबरा के ऑफिस को एक्सेसिबल बनाया जाए और उनके कुछ अलहदा जो है वो रखा वो बनाए टेबल रखे जाए जहाँ से उनको मुश्किल का सामना ना करना पड़े, वो अपने शनाख्ती कार्ड इजीली बनवा सकें। और सोशल वेलफेयर से कुछ मीटिंग की थी कि वन विंडो ऑपरेशन किया जाए जहाँ पे डिसेबल पर्सन को अब जैसे सोशल वेलफेयर में जहाँ पे मजदूर कार्ड एक मजदूरी सर्टिफिकेट बनाने के लिए उनको कितनी हद का सामना करना पड़ता है। अब एक मजदूरी सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक तो वो ऑलरेडी डिसेबल पर्सन होते हैं उनको पहले वो सोशल वेलफेयर में जाते हैं जहाँ से वो उनके उनके डॉक्यूमेंट ये कॉपी करवा के लाए इस दिन आइएगा, फिर उसके बाद उनको बी एच के में उनका पैनल डालता है वहां पे उनकी वेरिफिकेशन उनका वहां से डिसेबल पर्सन से जाना पड़ता है, फिर उसके बाद दोबारा उनको सोशल वेलफेयर आना पड़ता है वहां से फिर डीसी ऑफिस में जाना पड़ता था और वहां पे वो उनके साइन होते हैं उसके बाद फिर सोशल वेलफेयर आना और डिसेबल सर्टिफिकेट उनको दिया जाता था। जो हमने मीटिंग स्कीम पे इनको वन विंडो ऑपरेशन कर दिया जाता था मजदूर अफराद को जो इतनी हद पेश आती है वो ना है वो इजीली अपना मजदूरी का सर्टिफिकेट बना सके। इन मुश्किल की वजह से बहुत से मजदूर अफराद है जिन्होंने अपना मजदूरी का सर्टिफिकेट नहीं बनवाते। जिस तरह नाबरा में बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है जैसे गुजरा वाला में नाबरा ऑफिस था और वहां पे ऊपर जाके शनाख्ती कार्ड बनवाने पड़ते थे और डिसेबल पर्सन ऊपर नहीं जा सकते थे, नीचे जो भी होते थे उनको ये आगाही नहीं थी कि मजदूर अफराद के जो शनाख्ती कार्ड है वो उनके उनमें कोई पैसे नहीं लगते, उनका फी बनता है और उनको लाइन में भी नहीं लगना पड़ता, लेकिन आगाही ना होने की वजह से जो लोग नीचे होते थे उनसे बहुत ज्यादा पैसे लेते थे और उनका वो आई डी कार्ड बनवाते थे। इसकी वजह से बहुत से लोग यहाँ पे जो ज्यादातर लोगों की आबादी है वो गरीब है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो उनको वो उनकी वजह से आई डी कार्ड नहीं बनवाते थे। फिर हमने उनके हवाले से कुछ हमने मीटिंग की और नाबरा ऑफिस जो है वो हमने दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया हमारी मीटिंग्स की वजह से, वहां पे एक्सेसिबिलिटी जो है ना रैंप बना दी गई और उनके लिए अलहदा जो है अलहदा कैबिन बना दिए गए जहाँ पे जाके वो अपना अब इजीली शनाख्ती कार्ड बना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, अभी भी गुजरा वाला में जो नाबरा ऑफिस है मुख्तलिफ वहाँ वो एक्सेसिबल नहीं है, जो हमारा मेगा सेंटर है यहाँ वो अभी तक एक्सेसिबल हो चुका है। इसमें बहुत ही जैसे अभी यहाँ पे मैंने कोरोना के हवाले से कुछ एक्टिविटीज है जहाँ पे मैंने डोर टू डोर जाके अवेयरनेस दी और वहाँ पे जो डिसेबल पर्सन थे उनको किस तरह बचाया जाए उनके हवाले से आगाही दी और शिक्षा हमने अकॉर्डिंग टू डिसबिलिटी जो है वो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूट की ताकि वो अपना इजीली मूव कर सकें। अब मजदूर अफराद जो गर्ल्स हैं उनको हमने उनके घरों में अगर बातचीत की और उनके पेरेंट्स से जाके मीटिंग करते थे कि इनको अपने घरों से निकाला जाए। बहुत एक घर में गई वहां पे देखा कि मजदूर अफराद थी मेरी को ऊपर वाले ऊपर छत पे कमरा था वहां पे उसे संगलों के साथ बांध के रखा हुआ था और उनको यानी कि कोई भी उनका कहना था कि ये कोई मेहमान वो बच्ची से जब हमने इंटरव्यू लिया तो पता चला कि वो बच्ची का कहना था कि मेरे जब भी घर में कोई मेहमान आते हैं मुझे इसी तरह ऊपर बांध दिया जाता है और मुझे घर से नहीं निकाला जाता
वो कहते हैं कि पेरेंट्स मोहल्ले वाले बातें करते हैं और बहुत से यानी कि उस बच्ची ने खुदकुशी भी करने की कोशिश की और उसमें सिर्फ लोगों की बातों की वजह से लोग जब भी कोई भी आता था या वो बहन कहीं जाते भी तो लोग बातें करते थे बातें की जाती थी जिसकी वजह से वो तंग आते उस बच्ची ने खुदकुशी करने की कोशिश की। हमने उस बच्ची को घर से बाहर निकाल और अपने स्कूल में लेके आए और उसको पांचवीं क्लास तक एजुकेशन दी। अब माशाल्लाह वो बच्ची शादीशुदा है और अपनी लाइफ गुजार रही है। इस तरह डिफरेंट सेशंस किए गए जिसमें हमने अवेयरनेस सेशंस किए गए PWD के हवाले से और उसमें जी क्या हुआ हुमा का कनेक्शन खराब हो गया? जी आई थिंक वो डिसनेट हो गई, दोबारा आ जाती है अभी। अच्छा चले ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि 4:15 हो गए हैं तो अब वो जब आएंगी तो फिर हम उनको कहेंगे कि वो अपनी प्रेजेंटेशन कंक्लूड करें और फिर हम उनके साथ थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर भी करेंगे। तो ये जब तक हुमा आती हैं हम ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं पायदार तरक्की के अहदाफ जो कि इस हमारे आज के मौजू से रेलेवेंट हैं वो हमने स्क्रीन पर रखे हैं और मैं दावत देती हूँ आप सब में से कोई भी अगर बात करना चाहें कि ये जो अहदाफ हैं रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज मयारी तालीम अच्छी सेहत और काम ये अगर हम इस पे कोई बात करना चाहें कि सबके लिए ही ये जरूरी है लेकिन जो मजूर अफराद हैं मजूर खवातीन हैं मजूर बच्चे हैं उनके लिए ये ज्यादा मुश्किलात हो जाती हैं कि उनको सेहत तक भी हो और हमें चाहिए कि हम उनके लिए ज्यादा कोशिश करें कि वो ये जो है वो हदफ पूरे हो सके। तो कोई आप में से बात करना चाहेंगे किसी भी SGDs पे? जी उम्मे कुलसूम साहबा इरशाद बात कर रही हूँ। अच्छा इरशाद आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप मेंबरांस को। हुमा बहुत अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी और अपना बायोडाटा बता रही थी। हुमा हमारी बहुत प्यारी दोस्त है, हम काफी अरसे से एक दूसरे के साथ हैं। ये हदाफ जो हमारे सामने रखे गए हैं ना, मैं अभी थोड़ा सा इस पे काम कर रही थी कसूर के हवाले से और कर नहीं रही थी। वो अचानक मुझे एक ना कुछ लोग आए मेरे पास स्पेशल बच्चों के हवाले से कि हम इन बच्चों के हवाले से कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने पूछा क्या मसला है, घर में काम करने वाली थी तो उसने कहा कि मेरे मोहल्ले में 3-4 ऐसे घराने हैं जिनके बच्चों को कोई ना कोई मसला है, जहनी तौर पर भी और वैसे भी डिसेबिलिटी है। एक के टांग से एक मजदूर बच्चा है लेकिन गवर्नमेंट के स्कूल बने हुए हैं वहां तक ये जा नहीं सकते। तो उसके लिए बड़ी जरूरी कैंपेन, अभी जो डाटा गवर्नमेंट के पास है ना स्पेशल पर्सन का वो बहुत ना होने के बराबर है। उसपे भी गवर्नमेंट को प्लानिंग करने की जरूरत है ताकि वो गवर्नमेंट ऐसे लोगों के लिए कुछ स्पेशल एजुकेशन के हवाले से काम भी कर सके और ज्यादा से ज्यादा इसको फोकस करने की भी जरूरत है। अभी तक ये जो स्पेशल बच्चे हैं इनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है महकमा सोशल वेलफेयर के दफ्तर में और डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है उसके अंदर इसका
चेकअप होता है बच्चों का या कोई भी स्पेशल पर्सन हो तो फिर उन्हें जाके एक स्पेशल डिसेबिलिटी कार्ड मिलता है। फिर इनको कोई मुख्तलिफ तरह की सहूलियात की तरफ गवर्नमेंट देखती है। हमारे जैसे साथियों को, हमारी सिविल सोसाइटीज को बहुत ज्यादा इन लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और ताकि हम लोग कर सके आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट को कोई डाटा दे सके। और पौधा के प्लेटफॉर्म से अगर हम सोचे तो ये हमारी माशाल्लाह हर जगह पे बहनें बैठी हुई हैं, जहां जहां भी बैठी हुई हैं वो अपने अपने इलाके की सतह पे भी देखे तो हमारे पास बहुत सा डाटा आ सकता है। बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के हम बहुत सा डाटा इकट्ठा कर सकते हैं जो कि स्पेशल पर्सन का है। और स्पेशल पर्सन के लिए मजबूरी जो आती है वो ये आती है कि जब उन्हें बुलाया जाता है कि आप चेकअप के लिए आए तो जो हमारे गरीब कम्युनिटी के लोग होते हैं तो चेकअप के लिए एक बार नहीं उन्हें दो तीन बार जाना पड़ता है और उन्हें गाड़ी करवा के ही जाना पड़ता है। तो ये हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे स्पेशल पर्सन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिसके लिए वो मतलब उन्हें स्पेशल कार्ड बनाने उन्हें दुश्वारियां हैं जो हम हल करवाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस वेबिनार के प्लेटफॉर्म से हम इसे आगे लेके जा सकते हैं और इस पे हम प्लान करने की हमें जरूरत है। मेरी तो इस वेबिनार की वजह से एक रिक्वेस्ट ही है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, कंबाइन लेटर लिखना चाहिए और गवर्नमेंट को भी कहना चाहिए अगर किसी इलाके में जो 5-6-7 लोगों का डाटा आ जाता है तो उसी कम्युनिटी में जाके ही कोई उनकी ना जो भी वेरिफिकेशन करनी है, जो भी तरीका कार करना है तो वो कर ले ताकि उनको सर्टिफिकेट मिले। ठीक है इरशाद, थैंक यू सो मच। हाँ हुमा जी, कौन बोल रहा है? मैं हुमा बात कर रही हूँ, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपको, हमारी आवाज आ रही है? हुमा एक मिनट मेरी बात सुने, हम अभी उम्मे कलसूम से एक कमेंट लेंगे फिर हम आपके पास वापस आएंगे और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी जो बात है उसको खत्म करें ताकि फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर कर सकें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा रह गया। आप तकरीबन 45 मिनट्स बोली हैं तो बहुत से सवाल हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सबको मौका मिले। तो उम्मे कलसूम आप जल्दी से अपनी बात कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब साथियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज फिर एक खूबसूरत वेबिनार के साथ, एक बहुत सेंसिटिव हसास इश्यूज के साथ, पौधा के साथ हम सब शामिल हैं। और जिस तरीके से हमारी छोटी बहन ने अपनी सारी चीजें बताई हैं, मैं थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया लेकिन चूंकि मैं जानती हूँ इन तमाम मसाइल को भी, इनके ऊपर काम भी कर रही है साइको ऑर्गेनाइजेशन, और मैं बहुत हद तक सहमत हूँ हमारी अभी इरशाद बहन जो बातें कर रही थी। मैं समझती हूँ कि ये जो SDG 3, 4 और 10 की यहाँ पर सामने स्लाइड भी लगी हुई है, इसके हवाले से देखा जाए तो ये तमाम वो काम है जिनकी ना सिर्फ एक आम शख्स को बल्कि स्पेशल पर्सन को, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को खास जरूरत होती है। मैं फिर भी कहना चाहिए कि ना उम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आज से अगर 8-10 साल पहले देखा जाए तो शायद स्पेशल पर्सन को या पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी जो है वो बहुत सारे ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि इदारे भी जो हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं, जिसकी बड़ी मिसाल अभी हमारे सामने भी है। ये खुद अपने इदारे के साथ हैं। मैं यहाँ चूंकि मैं खुद एक NGO का हिस्सा हूँ, प्लस मैं एक इन कंपनी के साथ भी काम करती हूँ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जिसमें मैं समझती हूँ कि मैंने पहले सेशन भी दिया था, और खास तौर पर वो खवातीन जो घरों में बैठी हैं और उनके लिए कि उनके लिए एक बड़ा अच्छा ही प्रोडक्ट है कि वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इसको इसमें अपने अच्छे प्लान ले सकती हैं अपने फ्यूचर के लिए। मैं ये इसलिए यहाँ पर कोड कर रही हूँ क्योंकि 2-3 केस हमारे सामने भी यहाँ पर आए कि जो माएँ आई उन्होंने कहा आज तो मेरे बच्चे छोटे हैं लेकिन वो इस तरीके से हैं कि शायद बड़े होकर भी उन्होंने ऐसे ही रहना है, तो हम चाहते हैं कि इनकी सिक्योरिटी हम कैसे कर सकें। तो फिर उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो है वो कुछ प्लान्स भी हैं, फ्यूचर प्लान्स भी हैं, ताकि वो अभी उस कमेटी की सूरत में उन बच्चों के लिए इकट्ठा करती रहें और आफ्टर 10 इयर्स या 12 इयर्स जितने का उन्होंने प्लान लिया है तो उसके बाद कम से कम कंपनी उनको इतना रिटर्न करने की पाबंद होती है कि वो आराम से उनका किचन एक्सपेंस चलता रहता है।
तो मैं यहाँ पर भी जरूर कोट करूंगी अपनी इन तमाम बहनों से कि वो इस चीज को भी मद्देनजर रखें, अगर वो जहाँ पर हम उनको हेल्थ की सहूलियात की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ काम कर रही है, फिर हम एजुकेशन की बात करते हैं और फिर उनकी जिंदगी गुजारने के दूसरे लवाजमात की बात करते हैं, तो वहां पर अगर हम इनको इंश्योर्ड भी करा दें तो मैं समझती हूँ कि ये उनके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। जी सॉरी। अच्छा थैंक यू सो मच हुमा कुलसुम। हुमा अब आपसे दरखास्त है कि आप अगले 3 मिनट में अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करें और फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। आपसे बहुत सी बहनें बात करना चाहती हैं। ठीक है जी। लास्ट मेरी आज मैं ये थोड़ा सा एसडीजी के बारे में थोड़ा सा बताती चलूंगी। जी 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 बात करें आप। जी मैम इसमें एसडीजी बताए गए हैं जिसमें अच्छी सेहत रक्षा काम, जिसमें मतदी बीमारियों से लड़ाई, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करें, अलर्जी से बीमारियां और खतरनाक केमिकल, आलमी सेहत के खतरात के लिए इब्तदाई वार्निंग के निजाम को बेहतर बनाएं, इसमें अच्छी सेहत और अच्छे काम से CWD से ये जो डिसबिलिटीज हमें होती है ये भी इन गंदगी की वजह से होती है। कुछ जो कपड़े पिलाते हैं तो जो साफ वाले जो है कपड़े हम सारे कपड़े भी पिला रहे हैं उससे उससे भी ये हमारे में वायरस आता है और ये कुछ कजन मैरिज का है लेकिन ज्यादा जो गंदगी की वजह से डिसबिलिटी का इश्यू होता है। म्यारी पलीन म्यारी प्राइमरी पलीन तक यकता रही सब चीजें उठाओ जमीन से उठाओ फौरन एक मिनट में चीजें जूते बेल्ट कपड़े बेड से मेरी प्राइमरी प्लीन तक यकता रसाई इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको हवाले से मैंने बताया कि सबको एक जगह तलीम दी जाए जिसमें यानी कि उनका एक्सेक्सिबल हो यकता रसाई हो सबके लिए तकनीकी पेशा वराना और आला तलीम तक यकता रसाई माली कामयाबी के लिए मुतलका महारतों के हामिल लोगों की तादाद में इजाफा आमदनी की अदम मसावत को कम करें, समाजी शताब्दी और सियासी शमूलियत को फरोग देना। अब अगर जैसे इसमें ये बताया गया इसमें अगर डिसेबल पर्सन के एबिलिटी जो है अगर उनके शिनाख्ती कार्ड और मजदूरी सर्टिफिकेट बना दिए जाए तो उनकी नेक्स्ट शमूलियत हो सकती है। अगर जैसे अब ये चीजें नहीं बनवा सकते तो वो किसी भी गिनती में नहीं आते और ना ही वो अपने समाजी आजादी काफी हकूक हासिल कर सकते हैं। यकता मुदाका को यकीनी बनाना और इम्तियाजी सलूक को खत्म करना, माली और समाजी पॉलिसियों को अपने अपनाइए जो मसावात को फरोग देती है। थैंक यू। जी हुमा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत शुक्रिया हुमा, आपने बड़ी अच्छी और बड़ी डिटेल से सारी बातें बताई हैं। तो अब हम ओपन करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो जिसने भी सवाल करना है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक हाथ खड़ा करें और हम आपको मौका देंगे, आप हुमा से सवाल भी पूछें और तजावीज भी दें और अपने जो आपके इसी मौजू से मुतल्लिका हैं आपके तजर्बात या कोई भी आप शेयर करना चाहें तो जरूर करें। जी फिजा कमल कोयटा। हेलो मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ बात करें आप।
मैंने तो कोई क्वेश्चन ऐसा खास करना नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरी तारीम वैसे तो एसडीजीज के हमारे 17 गोल्स हैं जिन्हें पूरा करने का पाकिस्तान ने वो सिग्नेटरी है, लेकिन जो यहाँ पे तीन चीजें आपने मेंशन की है कि मेरी तालीम और सेहत के हवाले से, ऑब्वियसली उसमें गैप्स हैं। मेरी तालीम यहाँ पे आम तौर पे जो नॉर्मल है उनको, उनके लिए भी हमारे पास वैसी मेरी तालीम अवेलेबल नहीं है। पिछले दिनों कितने सारे केसेस ऐसे आए थे जिनमें जो बच्चों को मारने पीटने के जो वो केसेस थे वो सामने आए, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई एक्शन खास लिया नहीं गया। तो इसके लिए हमें ही कोशिशें करनी है। और जहां तक बात है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, यहाँ पे इनको ग्रूम करने के लिए पेरेंट्स को भी ग्रूम करने की जरूरत है, क्योंकि पेरेंट्स घर पे जो मारपीट वगैरह करते हैं वही चीज बच्चे के वो उसमें होता है, और बच्चों में अवेयरनेस नहीं होती, गुड एंड बैड टच के हवाले से भी अवेयरनेस नहीं होती है। ऑर्गन म्यूटेशन जो यहाँ बलोचिस्तान के रूरल एरियाज है वहाँ पे ऑर्गन म्यूटेशन भी किया जाता है बच्चों का, क्योंकि एक केस ऐसा आया था जहाँ पे फीमेल के साथ उसके अपने भाई ने वो रेप अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने, उसकी फैमिली ने बजाय इसके कि अपने बेटे को सजा दिलवाते या कुछ करते, उन्होंने अपनी बेटी की ऑर्गन म्यूटेशन करा दिया, उसका अबॉर्शन वगैरह करा दिया। और शायद अब भी ऐसे ही कई और केसेस अब भी जो बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद होंगे। तो इसके लिए पेरेंट्स को अवेयरनेस देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिजा कंवल। ये हमारी रूरल वुमन लीडर हैं कोयटा से। जी और कौन बात करेंगी? इरशाद सफदर, आपके दो नाम आ रहे हैं। जी मारवी, आप बात कीजिए, कहाँ से बोल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम समीना, क्या हाल है? ठीक है आप? मैं ठीक। बात कीजिए। मैं बदीन डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ, और मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारे पास खवातीन है, कुछ ऐसी फैमिलीज जिनके जो बच्चे होते हैं सब एबनॉर्मल या माजूरी पैदा होते हैं, तो इतना कन्विंस करके बाद हमने उनके बच्चे तो फिलहाल बंद कर दिए, लेकिन जो पैदा हुए उनके लिए बड़े मसाइल हैं NIC के, रोजगार के, और इनकी ऐसी कैफियत भी नहीं है कि उनके CNIC बना सके या पढ़ा सके, तो उनके लिए कोई रास्ता है या सिंध पर तो कोई फैसिलिटी नहीं है मौजूद? जी उमा, आप इसका जवाब देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। इनका शनाख्ती कार्ड जो है, आज मजदूरी सर्टिफिकेट जो है ना, वो इनका बनेगा। उमा आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट कर दिया अपने आप को। ये म्यूट नहीं हुआ, कॉल आ गई थी। अच्छा अच्छा, चले आप बात करें। मैं कह रही थी कि इन बच्चों के ना आप ये लोग मजदूरी सर्टिफिकेट बनवाएं और शनाख्ती कार्ड बनवाएं। सबसे पहले तो इन लोगों ने ये वेतन जो है, इन बच्चों का नाम ही दर्ज करवाया था। ये शनाख्ती कार्ड और जो मजदूरी सर्टिफिकेट जो बन जाएगा, तो फिर ही हुकूमत इनको कुछ जो सहूलियात दे रही है वो प्रोवाइड कर सकती है। और ये प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आप वो खुद नहीं जा सकते, तो वहाँ के कुछ वैन जैसे आती है वहाँ उनके थ्रू, या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके लोग मजदूरी सर्टिफिकेट बनवा दें, और वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है सिंध की उनसे कॉन्टेक्ट करवा दें, ताकि वहाँ उनके जैसे हमारे आदिल शारी साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा इदारा चला रहे हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करवा दें ताकि वो और इनको इनकी आगे जो है जो भी इनके लिए जरूरत है वो मुझको देख सके। लेकिन इनका मजदूरी सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड होना बहुत जरूरी है, इसमें आप भी हेल्प आउट कर सकती हैं, आप उनको ये बनवा दें शनाख्ती कार्ड और दूसरे सर्टिफिकेट। ठीक है, थैंक यू हुमा। जी ख्वाजा जाहिद साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं, पौधा के लीगल एडवाइजर। जी जिस तरह मैडम हुमा ने बात की ना, बात तो प्राइमरी यही है कि जब तक माजूर अफराद की रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में नहीं होगी, तो वो गवर्नमेंट की जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनसे फायदा नहीं उठा सकेगा। देखिये ये जिस तरह हम सब बात कर चुके हैं कि अभी तक जो माजूरी सर्टिफिकेट बनाने का तरीका है
वो इतना मुश्किल है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके वो आदमी अपना मेडिकल कराए, दो दफा सोशल वेलफेयर कैफस में जाए, नादरा जाए, और एक आम आदमी नॉर्मल आदमी सेहतमंद आदमी वो तो एक दफ्तर में जाए और मजदूर आदमी चार दफ्तर में जाए। बुनियादी तौर पर ये स्टेट की जिम्मेदारी है। हम कई दफा कह चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मजदूर अफराद की सेंसस करवानी चाहिए, उनकी मर्दमशुमारी करवानी चाहिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अब तो सारा डिजिटलाइज है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम जरूर है जो मशरती तौर पर जिस पर उसका हमने फेस करना है कि हम खुद भी अपने मजदूर बच्चों की वालदैन जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, उनको स्कूल नहीं ले जाते, उनको लोगों से हाइड करते हैं, और पता नहीं लोग उससे क्या बातें करते हैं कि अगर मजदूर अफराद लोगों के सामने आएंगे तो शायद उनकी बेइज्जती होगी। इस सारे चीजों से निकल के मजदूर अफराद को लाजमी रजिस्टर करवाएं। और देखें इस वक्त भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसमें हम कदम प्रोग्राम है, ये जानती होंगी कि उसके अंदर जो भी मजदूर आदमी काम कर सकता है उसको 2000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे, जो काम नहीं कर सकता उसको 1500 मिलेंगे। सेहत इंसाफ कार्ड है, हाउसिंग स्कीम में है, मुलाजमत में कोटा है, लेकिन ये सारी चीजें तभी मिलेगी कि अगर गवर्नमेंट इस पर सिंसियर हो और हम खुद अवाम भी सिंसियर हो। और मैं तो मैडम समीना जहीर साहबा वो हायर मिनिस्टर पर बैठ के एक और बात करता हूँ कि अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर भी मजदूर अफराद के बारे में वो तवज्जो नहीं दी गई। अब पूरे SDGs में देख लें, मजदूर अफराद के लिए कोई SDG नहीं है, ये एक जनरल SDGs की हम आज बात कर रहे हैं कि सबको तालीम मिलनी चाहिए। हमको मकामी सतह पर, माशरती सतह पर, आलमी सतह पर हम तंजीमों का ही फर्ज है कि हम उनकी तवज्जो दिलाएं। एक आम आदमी का अगर ये हाल है तो मजदूर अफराद के लिए तो फोकस्ड किस्म की अटेंशन होनी चाहिए। पाकिस्तान ने इस बारे में लेजिस्लेशन की हैं, अभी भी ICT इस्लामाबाद में जो मैडम बात कर रही थी एक ला के, वो इस्लामाबाद में एक ला है जिन्होंने ये कहा है कि असेसिबिलिटी होनी चाहिए, उनको एजुकेशन का हक होना चाहिए, उनको स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने का हक होना चाहिए, सारी चीजें ठीक है। लेकिन जब तक हम खुद से पूरी तरह कोशिश नहीं करेंगे कि जिस तरह मैडम ने बात की है कुसुम साहिबा ने किसी ने कि हम अगर मजदूर अफराद की सेंसिस को गवर्नमेंट के इदारों तक पहुंचाएं, अभी इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स का पैसा मजदूर अफराद के लिए एलोकेट होता है, क्योंकि मजदूर अफराद अगर अभी भी पूछे गवर्नमेंट से तो वो कहेंगे ये 2-3 लाख है, हालांकि यूनाइटेड नेशंस के जो दूसरे इदारे हैं उनकी सर्वेस के मुताबिक कि कम अज कम 10% है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो मजदूर अफराद का है। मजदूर अफराद के लिए हम कौमी असम्बली में सूबाई असम्बली के अंदर अभी तक स्पेशल सीट्स जो है वो एलोकेट नहीं करवा सके, मजदूरों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, खवातीन के लिए हैं, अकलीतों के लिए हैं, यूथ के लिए हैं, लेकिन मजदूर अफराद जो इतना बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, और मजदूर अफराद जरूरी नहीं कि सारे खुदा न खासा मेंटली चैलेंज हो, उनमें फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, वो प्रोफेसर हो सकते हैं, वो इवन के लायर्स हैं, इवन के जजेस हैं, तो क्या वो मजदूर अफराद जो है कौमी असम्बली के मेंबर नहीं हो सकते? जब तक हम इनको एक डिसाइसिव पोजीशन पर नहीं बिठाएंगे, इनकी सीट्स एलोकेट नहीं होंगी, मामूली सी कानून साजी की जरूरत है कि जहाँ पर्सन जहाँ आपने लेबर फार्मर्स विमन लिखा है उसके आगे एक वर्ड सिर्फ ऐड करना है पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन नहीं, वो इसीलिए नहीं कि हमारी खुद से अभी इतनी तवज्जो नहीं, हमें मिल कोशिश करनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू। इसको जो अभी मजदूर अफराद की हमने अभी की है बलदियाती इलेक्शन में इनकी चीज हो गई है, इसके अलावा भी उन्होंने हमसे वादा किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हम इसी सिलसिले में वहां पे असेंबली के बाहर हड़ताल करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था कि हम असेंबली में भी सीट देंगे उनके इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ, जिस बलदियाती इलेक्शन में उन्होंने सीट को जो है ओके कर दिया।
जी सॉरी मेरा माइक बंद था। और कौन बात करना चाहेंगी? मुझे हाथ नहीं नजर आ रहे। मारवी आपने पहले हाथ खड़ा किया था या दोबारा किया है? हेलो मारवी। लैया, लैया से शमीम जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इस मीटिंग में शामिल किया। मैं लैया से शमीम इरम बोल रही हूँ। तो ये मसला मेरे साथ भी हुआ था कि मेरी बेटी डिसेबल थी, मतलब बाहर से। लेकिन पहले तो मैंने अपने घर वालों से बहुत मतलब उनकी बातें सुनी, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी। मैंने अपनी फोकस किया मैंने अपनी बेटी पे कि इसकी तरबियत ऐसी हो कि ये डिसेबल ना कहें लोग इसे। तो जैसे उन्होंने कहा कि पहले तो मसला था स्कूल का, फिर जैसे जैसे मेरे साथ मसले आए तो बहुत सारे आए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। और बात यह है कि अवेयरनेस हो, उनकी माओं को अवेयरनेस देनी चाहिए कि मैंने सुना है कि अभी माएं सामने नहीं लेकर आती हैं ऐसे बच्चों को, तो उन्हें अवेयरनेस देनी चाहिए। लेकिन मैंने अपनी बेटी को हालात से और जैसे वो स्कूल जाती थी, कभी कभी वो रोती भी आती थी कि अम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसे होता है, लेकिन मैंने उसे हमेशा हिम्मत दी थी कि आप ऐसा कर जाओ कि लोग आपको अप्रिशिएट करें। तो अल्लाह का शुक्र है आज मेरी बेटी डॉक्टर है, हाउस जॉब कर रही है। तो सबसे ज्यादा जरूरत है उन माओं को जिनके बच्चे डिसेबल होते हैं, तो उन्हें अवेयरनेस देनी चाहिए। कुछ ऐसा करें कि उनके लिए एक अलग-अलग प्रोग्राम किए जाएं कि अगर किसी के पास। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। तो उन्हें अवेयरनेस दी जाए, उन्हें कहा जाए कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से हैं, तो उन माओं को अवेयरनेस दी जाए। और मुआशरे में जो मतलब ऐसे मजाक ऐसे बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें अवेयरनेस दी जाए ताकि ये बच्चे पीछे ना रहें और बंद घरों में ना रहें, बाहर निकलें। और मैं हुमा जी को भी अभी शेयर करती हूँ कि वो इतने अच्छे काम कर रही हैं। और सबसे ज्यादा पौधा समीना जी, आपने एक प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा किया है, और ये जूम मीटिंग में मैंने तकरीबन सारी मीटिंग अटेंड की है, तो अच्छा लगता है। और अब ये है कि ना जैसे कहते हैं डिसेबल है रिश्ते के लिए, मैंने पिछली दफा भी ऐसी एक बात हुई थी कि रिश्तों में फिर वो नहीं कहते, कहते डिसेबल है ये है। तो ऐसे मसाइल का अभी मुझे सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये सब खुदा के हाथ में है, इंशाल्लाह ताला अच्छा बेहतर होगा जो भी होगा। लेकिन मैं पौधा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये ऐसी मीटिंग रखी, ऐसे मसाइल रखे और खवातीन को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया शमीम। और आप भी काबिले तारीफ हैं कि आपने अपनी बच्ची के लिए स्टैंड लिया, उसको ताकत दी, उसको हिम्मत दी, और हमें बहुत खुशी है कि वो डॉक्टर है। और ये आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और ये जो है ना माँ को ताकतवर बनाना और माँ के जरिए बच्चियों तक हिम्मत पहुंचाना, ये बहुत एक अहम बात पे आपने निशानदेही की है। रानी वाहिदी आप कुछ बोलना चाहती हैं? रानी वहीदा, रानी वहीदा बात करना चाहती हैं? अच्छा चलो, जब तक रानी वहीदा वापस आती हैं, साइमा बतूल आप बात करें पहाड़ी से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात करें। वालेकुम सलाम, आप बात करें सायमा, आप बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सायमा बतूल, आप अपनी बात करें, हमें आपकी आवाज आ रही है। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी हुमा की, और एसडीजीज के हवाले से जैसे बात हुई,
तो अगर हम SDG 6 पे जाएं तो वाटर एंड सैनिटेशन बात होती है उसमें। तो रिसेंटली एक एक्सपोयर मेरा भी हुआ कि हम काम कर रहे थे डिसेबल पर्सन पे और हमारी एक जो ट्रेनर थी वो DG काम से ट्रैवल करके पहाड़ी आई और सारा दिन उन्होंने डिसेबल बच्चों के साथ जो है वो गुजारा भी किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। तो SDGs में बात तो हुई है सैनिटेशन की या क्लीन वाटर की, तो जो इशू हमें देखने को आया कि वो बड़े इदारे की बड़ी अच्छी बड़ी एक्टिव विमन, मगर जब उन्हें वॉशरूम यूज करने के लिए जाना था तो हमारे पास पूरे एरिया में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे कि वो अपनी स्लीड के लिए जा सकती। तो इस पर भी हमें हुमा के तवस्त से इस पर बात करने की ज़रूरत है और इस चीज़ के लिए भी जो है वो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हैं वो हम बात करते हैं खवातीन के लिए अलग वॉशरूम की, शायद वो मेल्स वाले वॉशरूम भी यूज़ कर लें, लेकिन जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो अगर लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत बड़ा ये बेसिक नीड है जिसका ख्याल नहीं रखा जाता। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें भी इस प्रॉब्लम का बहुत सामना करना पड़ता है क्योंकि हम दूसरा वॉशरूम यूज नहीं कर सकते, हम कहीं भी सफर करते हैं तो रस्ते में ये वॉशरूम ना होने की वजह से हमें भी काफी हर्डल का सामना करना पड़ता है। इसके हवाले से हमने गवर्नमेंट से बात की है, बल्कि हम लोगों को मैं कहती हूँ कि हम इस ग्रुप में इतने ज्यादा हैं कि हम लोग ही अगर अपने अपने एरियाज में छोटे छोटे अवेयरनेस सेशन कर ले तो उससे भी काफी तब्दीली आ सकती है। अब जैसे शायद आपा ने बात की थी डिसेबल सर्टिफिकेट और ID कार्ड के हवाले से, तो ये हमें अपने ही एरियाज में पेरेंट्स को आगाही देनी चाहिए तो वो इनके शनाख्ती कार्ड जरूर बनवाएं और इनका नाम जरूर लिखवाएं। बदकिस्मती से किसी के द्वारा अगर अभी भी सर्वे के दौरान अक्सर मुझे पता चला कि कहीं भी अगर बच्चा डिसेबल ज्यादा होता है तो वहां पर कितने दिन शोक मनाया जाता है और उसी शोक मैं तो कहती हूँ उसी शोक की वजह से शायद वो उसका नाम लिखाना भी दर्ज बनाना भी भूल जाते हैं, जिसकी वजह से नाम उसका नाम नहीं होता तो उसका नाम नहीं होता जिसकी वजह से ना उसका मेमोरी सर्टिफिकेट और ना उसके ID कार्ड बनेगा और ना वो उसकी कमी शनाख्त होगी। तो हमें ये चाहिए कि हम लोग अपने एरियाज में इसके हवाले से छोटे छोटे अवेयरनेस सेशन जरूर रखें, पौधा के प्लेटफॉर्म से रख लें, क्योंकि जब तक हमारे शनाख्त नहीं होगी तो हमारे कैसे पता चल सकेगा कि मजदूर अफराद की पॉपुलेशन कितनी है। अभी तक भी मजदूर अफराद की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि कितनी पॉपुलेशन है, जो थोड़े बहुत शनाख्ती कार्ड जो रजिस्टर है उनके हवाले से उनकी पॉपुलेशन बस बता दी जाती है, लेकिन अगर निकले तो देखें तो बहुत ज्यादा तादाद है मजदूर अफराद की। जी बिल्कुल, पौधा के प्लेटफॉर्म से करें ये सेशंस, लेकिन आप सब अपने लोकल भी मुकामी हर जगह पे ये करें क्योंकि ये बहुत अहम इशू है। अच्छा हम लिखते हैं पर्सन विद डिफरेंट, वो लिखते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज, लेकिन आपने लिखा है पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज। ये नई टर्म जो आपने इस्तेमाल की है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के, वो दिखाओ वाजिद स्क्रीन पे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बजाय आपने हमें कहा है कि आप लिखें पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज। तो ये नई टर्म जो है ये आपने बनाई है या कहीं ये शुरू हुई है? ये देखें आप जो टॉपिक है ये इंग्लिश वाला, इसमें देखें अवेयरनेस इज द की फॉर इंक्लूजन ऑफ पर्संस विद डिफरेंट एबिलिटीज। पहले हम लोग कहते थे डिफरेंट डिसेबिलिटीज, तो हुमा ने हमें कहा कि नहीं आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज नहीं लिखेंगे, आप लिखें डिफरेंट एबिलिटीज। तो इसके बारे में आप हमें बताइए हुमा। जी मैम, जैसे मजदूर अफराद का पहले किया गया कि मजदूर अफराद डिसेबल पर्सन की बजाय स्पेशल पर्सन कहा जाएगा,
तो अब स्पेशल पर्सन को खत्म करके डिफरेंट पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज, क्योंकि ये हमारा माना जाता है कि उसमें कोई मजदूरी नहीं है, वो किसी टांग का या बाजू का ना होना या उसका सुनना नहीं, ये मजदूरी नहीं, उसके बाकी पार्ट तो काम करते हैं, तो वो हर अपना तलीम हासिल कर सकता है, वो हर काम कर सकता है दूसरों की तरह, जस्ट उसके ये पास नहीं होते उन पास, क्योंकि डिसेबल का मतलब तो हुमा आपका माइक बंद हो गया है, हुमा आपका माइक बंद हो गया है, मुझे लगता है आपकी फिर कॉल आ गई है हुमा। हाँ माइक बंद हो गया था। जी जी कॉल आ रही थी। पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी यानी आपका माइक बंद हो गया हुमा। हुमा आपका माइक बंद हो गया है। जी हेलो। हाँ अब आवाज आ रही है, बात करें। बस बता रही थी कि किसी की टांग का ना होना, बाजू का ना होना या उसको नजर ना आना, वो मजदूरी नहीं है। डिसेबल का मतलब है ना है, जो कुछ कर नहीं सकता। हमारे नजदीक मजदूर अफराद तो वो मुझे कुछ कर नहीं सकता, तो अब बताएं कि क्या मैं कौन सा काम है जो मैं नहीं कर पा रही। अगर मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाए, अफराद को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाए, अगर आप लोग हैं, मैं एक छोटी सी सॉरी मायना कीजिएगा, छत पे जाना है, अगर सीढ़ी नहीं होगी तो क्या आप भी तो मजदूर होंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसी तरह अगर तो मेरा कल मजदूरी नहीं, मैं ये डिफरेंट एबिलिटीज के साथ है, अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसमें ये चीजें कमी नहीं रखी है, ये कमी नहीं है, ये एबिलिटीज है, तो इन एबिलिटीज को यूज करते हुए बहुत से काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमारा जो मौसमियत का निजाम है, वो बच्चा चला रहा है जिसकी जिस कल्पे काम करती है, और वो कल्पे के थ्रू हमें बताता है कि मौसम की क्या सूरत हाल है, तो मैं समझती हूँ उसमें एक डिफरेंट एबिलिटी है। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। वाजिद आपके लिए मुमकिन है कि ये जो लफ्ज़ है डिफरेंट एबिलिटीज, इसको जरा बड़ा करके दिखाओ स्क्रीन पे, क्योंकि मैं तमाम उर्दू दानों को रिक्वेस्ट करती हूँ और चैलेंज भी करती हूँ कि इसका उर्दू लफ्ज़ आप बनाइए, ठीक है। डिफरेंट एबिलिटीज, थोड़ा सा लेफ्ट को करो, पूरा पढ़ा जाए पर्सन विद, हाँ और करो। अच्छा ये हम पहले टर्म इस्तेमाल करते थे पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अब हम आज के बाद हुमा की तजवीज पे और इनके सिखाने से हम आज के बाद लिखा करेंगे और बोला करेंगे पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज। तो उर्दू दानों से दरखास्त है कि इसका तर्जुमा निकालें आप। अब हम मजदूर अफराद तो नहीं कह सकते ना, अगर अंग्रेजी वाले जो हैं वो अच्छा तर्जुमा कर रहे हैं तो फिर हमें भी उर्दू को में भी करना पड़ेगा। तो ये जो भी निकालेंगे ना हम उनको इनाम देंगे। फिर आप हमें बता दीजिए कि आइंदा से मजदूर अफराद के बजाय हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन होगी अगर पौधा की तरफ से ये जाएगा। अच्छा 4:25 हो गए हैं, 5 मिनट बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मैं हुमा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं इन्हें बहुत शाबाश भी देना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत जबरदस्त आज किया है। और आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये कितनी बहादुर लड़की हैं, वो आप इन्होंने खुद भी आपको बताया, लेकिन मैं एक थोड़ी सी उदास एक बात है लेकिन उसके हवाले से भी इनकी बहादुरी नजर आती है। अगस्त के पहले हफ्ते में हुमा के वालिद का इंतकाल हुआ है, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अभी उनके लिए दुआ करेंगे। और 2 दिन पहले इनके अंकल का इंतकाल हुआ है और हमने इन्हें कहा कि आप ये वेबिनार ना करें, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मैं जरूर करूंगी, मेरा वादा है। तो अगर आप सब अपने कैम ऑन करें तो हम जरा हुमा के वालिद और अंकल के लिए दुआ करेंगे और
पेश करते हैं इनके वालिद को जिन्होंने बहादुर तो आप बिल्कुल भी किसी लम्हे के लिए ये अपने आपको अकेला ऊंची सी अजीज साहब का माइक कोई ऑन कर दे अजीज साहब माइक ऑन कर लें चैलेंज जी अब आप दुआ करें हम सब आपके साथ शामिल होंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम सिराता अल्लजीन अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ كَرِيمٌ أَبْنَاءَ بِكَسَتْ كِ أَبْنَاءَ رَحِيمٌ كَرِيمٌ نَكَسَتْ كِ إِسْلَامَ پاک اسباب ہمارے شان سب کے والد ان کی چچا جان تک ہم پہ رحم کرم خاص مہربانی رحمت نازل فرمائے بابا کہ مغفرت فرما اور رواگین کو سب رجیم کر آمین صلی اللہ علیہ وسلم آخر خلقی محمد و علیہ وصحابہ اجمعین رحمتی کا یا رحم الراحمین تو ہما ہم آپ کے غم میں شریک ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سب آپ کو بہت حوصلہ بھی دیتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس مشکل وقت میں بھی اپنی جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اپنے کام کے ساتھ اپنے مشن کے ساتھ آج آپ نے اس کو نبھایا ہے تو بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھیں ہما آپ نے جتنی باتیں کی ہیں جتنی تجاویز کی ہیں وہ ہم سب جو ہے وہ بڑے احتیاط سے سن رہے ہیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں ہم اردو میں بھی رپورٹ بنائیں گے انگریزی میں بھی بنائیں گے اور جہاں جہاں تک یہ پہنچ سکتی ہے بات حکومتی سطح پہ پارلیمنٹیرینز کو ہر ایک کو ہم یہ شامل کریں گے اور جو باتیں کی ہیں کہ کس طرح ہم پرسن وتھ ڈفرنٹ ابلٹیز کے لیے خاص طور پہ خواتین وتھ ڈفرنٹ وومن وتھ ڈفرنٹ ابلٹیز کے لیے ہم کر سکتے ہیں سہولیات بہتر کر سکتے ہیں چاہے وہ کارڈ کا حصول ہو یا تعلیم کا ہو یا صحت کا ہو تو جہاں جہاں کوئی اچھی ایگزامپلز ہیں تو پلیز آپ شیئر کریں کہ میرے ضلع میں ایسے ہوا ہے ہم نے یہ ایک تبدیلی لائی ہے ہم نے ترقی کی ہے ہم نے یہ پالیسی پہ عمل کیا ہے تو وہ پھر ہم دوسرے بھی اس سے سیکھیں گے تو بہت بہت شکریہ ہما آپ اپنا بہت خیال رکھیں آپ میں چاہتی ہوں کہ سب کیمرے آن کر کے ہما کو خدا حافظ تو کریں نا کیوں نہیں آن کر رہے کیمرے جی ام کلثوم ٹو رانی واحدہ اور خواجہ زاہد طیبہ سائمہ بتول دیکھیں کتنے لوگ آج ہما کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں ہما ہم آپ کو نظر آ رہے ہیں چلے آج آپ نے ہمارے ساتھ اپنا یہ بڑا اہم آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم گزارا ہے اور ایک ہم سب کی طرف آپ سے رابطے میں رہیں گے ٹھیک ہے ہما بہت شکریہ خدا حافظ تھینک یو سو مچ خدا حافظ تھینک یو جی خدا حافظ تھینک یو خدا حافظ شمیم خدا حافظ رانی والا بیٹھ کر بات کریں لیکن وہ میرا خیال ہے اس وقت آپ کا کنیکشن خراب ہو گیا شکیل صاحب اور طیبہ اور واجد ارشاد بائے شمیم شمیم آپ
लीव कर दें वो ऑफिस। ओके जी खुदा हाफिज। अच्छा शमीम को, अच्छा और मेहतिबाल बाय बाय, इरशाद सफदर अल्लाह खुदा हाफिज, रोजीना अकेले अकेले बना रही टनल, अकेली अकेली टनल फार्मिंग बना रही हो, हमें भी सिखाओ आके। ओके मैम अकेली नहीं हूँ, 163 फार्मर्स है मैम। हाँ लेकिन आओ ना इधर, हमें भी बना के दिखाओ ना, हमारी लड़कियों को भी सिखाओ। कब आ रही हो इस्लामाबाद? कॉन्फ्रेंस में आऊंगी ना मैम, तब सिखाऊंगी। अच्छा कॉन्फ्रेंस से एक हफ्ता 10 दिन पहले आना ना, तो फिर जरा एक ट्रेनिंग कर देना बनाने की। ओके मैम, ओके जरूर, ठीक है, बिनिश इनके साथ कोऑर्डिनेट करें। थैंक यू रोजीना, खुदा हाफिज। थैंक यू, आपकी तस्वीरें मैं देखती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है आपका काम। थैंक यू मैम, खुदा हाफिज। मीटिंग एंड करनी थी लेकिन मैंने शकील और तैयबा से बात करनी थी, फिर क्या करें, दोबारा करें हम, वो रिकॉर्डिंग में आ रही है। तो फिर शकील साहब और तैयबा 2 मिनट बाद आपको लिंक आएगा, जरा ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके मैम, ओके, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद नहीं, बाय बाय। ओके बाय।